हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 4 साइंस में। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो वीडियो है हमने उसमें काफ़ी कुछ देख लिया था, बेसिक जो क्लासिफिकेशन है उसका क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, देखते हैं ज़रा। ओके, बेसिस यानी बेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? बेसिस का मतलब होता है आधार। अब ये आधार क्या होता है, मतलब जैसे अगर मैंने कल वाला जो आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं आपको तीन कलरों के पेन दे दूं, ब्लू, रेड और ब्लैक, ठीक है, अब आप उनको किस बेसिस पे, किसके आधार पे उनको अलग अलग करोगे, उनको ग्रुप में बांटा जाए तो किसके आधार में बांटोगे? जैसे कि ये रेड है और ये ब्लू है, यानी आप क्या देख रहे हो, उसकी क्या देख रहे हो, उसकी शेप देख रहे हो, कलर देख रहे हो? कलर। यानी आप कलर के आधार पे, कलर के हिसाब से, वैसे समझाएं तो किस कैसे बोलेंगे, किस आप बोलेंगे सर किस हिसाब से बताऊं, किस हिसाब से इनको अलग अलग ग्रुप में बांटें, चीज़ों को जिस हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है बेसिस, ठीक है, यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो वो किस बेसिस पे करेंगे, राइट, यानी किसके आधार पे करेंगे, तो हमें ऐसा क्या देखना है जिससे कि हम उनको अलग अलग ग्रुप में बांट सकें, कर सकें, राइट। तो देखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स कैन बी डन, यानी क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का किस बेसिस पे किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज, कि उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, एंड डिसिमिलैरिटीज। डिसिमिलैरिटीज का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस, मतलब क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या, यस, क्या क्या तो सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज में डिफरेंस है, ठीक है, तो उसी के आधार पे हम देखेंगे कि हाँ भाई एक जैसे हैं तो उनको एक जगह रखो और अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग ग्रुप में रखो, है ना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पेन वाला बार बार एग्जाम्पल वही दे रहा हूँ, ठीक है, पेन वाला, तो उसमें सिमिलर क्या है कि रेड वाले पेन एक जैसे हैं, रेड ही रेड के, ब्लू वाले ब्लू, और डिसिमिलैरिटीज क्या है उनमें कि कुछ रेड हैं, कुछ ब्लू हैं, कुछ ब्लैक हैं, तो सर ढूंढने में वो लग जाएगा, ठीक है, हाँ, यानी कि सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ओके, जैसे कि सच एज लिविंग एंड नॉन लिविंग, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते, है ना, इस रूम में, ये फिर बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके रूम में अगर आप नज़र घुमा करके देखो, ठीक है, आप अपने घर में देखो तो आपको कई सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी कि जो लिविंग है, मतलब उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, सभी चीज़ों को, लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी दो कैटेगरी बन जाएंगी, दो ग्रुप बन जाएंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग, प्लांट्स और एनिमल्स, नेचर ऑफ मटेरियल, क्या देखेंगे, मटेरियल का नेचर क्या है, मटेरियल जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मटेरियल का बना हुआ है, कौन से मेटेरियल का बना हुआ है, अगर वो जैसे कागज है तो किसका बना हुआ है, वो प्लांट जो घास वगैरह आती है उसका बना हुआ है, प्लास्टिक है जैसे पेन है तो प्लास्टिक का बना हुआ है, कोई लकड़ी का कोई आइटम है तो वुड का बना हुआ है ना, समझ में आ रहा है, डॉल कॉटन, हाँ इस तरह से, ठीक है, तो मेटेरियल कैसा है, उसका यूज वो किस काम आता है, उसका यूज क्या है, जैसे साबुन है तो नहाने के काम आता है और ऑयल है वो लगाने के काम आता है, पेन है वो लिखने के काम आता है, तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो किस काम में आता है, ठीक है, उसके आधार पे, कलर क्या है उसका, उसकी शेप कैसी है, बनावट कैसी है, साइज क्या है उसका, छोटा है कि बड़ा है, अपीयरेंस कैसा है यानी दिखने में कैसा लगता है वो, हार्डनेस कठोर है कि नहीं है, ठीक है, सॉफ्ट तो नहीं है रुई के जैसा, ठीक है, या फोम के जैसा, टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब भी बेटा बनावट ही होता है, जैसे अगर आप देखो कि जैसे कुछ टाइल्स ऐसी होती हैं कैसी चिकनी होती हैं, और कुछ टाइल्स और कुछ टाइल्स कैसी होती हैं खुरदरी सी होती हैं, है ना, तो इसमें क्या है, दोनों के टेक्सचर्स में अंतर है, क्या है, अंतर है, ठीक है, डिफरेंट, हाँ, पत्थर वाली होती है, हाँ हाँ हाँ, ओके, हाँ, जैसे आप अपने कपड़े ही पहनते हो तो कपड़ों में भी देखो, टी शर्ट जो है उसका अलग तरह का फीलिंग होती है, और वहीं अगर आप शर्ट पहनोगे तो उसका अलग तरह का टेक्सचर होता है ना, ऐसे करके सर ये तो सर ढीली होती है थोड़ी, तो अंतर है ना, डिफरेंसेस है ना इसमें, हाँ, तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्लासीफाई किया जाता
है। दस द वेरियस ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड और ग्रुप्ड एज फॉलोज। जैसे कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू मेन ग्रुप्स। इस अर्थ पे, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें यानी कि ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मिलने कितने भागों में बांटा जा सकता है? टू, लिविंग दो हाँ नॉन एंड लिविंग नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड, और लिविंग को भी किस में बांट सकते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। पूरी दुनिया में जितनी भी हाँ चीज़ें सर हैं उनको दो भागों में, लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग यानी कि जैसे ये कि ऐसे जैसे कि फोन, मोबाइल फोन है, चेयर है, बोर्ड है, ये मार्कर है, बुक है, ग्लोब है, स्टॉप माइक्रोस्कोप है, है ठीक ये है, कप है, बोलते टेबल ही है, मैं बस ये वो नॉन खाती लिविंग। हूँ ना ये दूसरी देखती तरफ लिविंग हूँ वो बोलते हैं प्लांट्स, देखते तो हैं जितने भी प्लांट्स होते हैं वो खाते कैसे होते हैं? हैं लिविंग होते मैं हैं, नॉन लिविंग होते हैं? हेलो, चल प्लांट्स लिविंग होते हैं वो लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग लिविंग है ना, क्योंकि क्योंकि वो ग्रो सब करते हैं, है ना, ग्रो बढ़ते हैं बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, है ना। और फूड भी बनाते हैं वो, उसमें तैयार करते हैं अपना खाना, खुद ही बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन देते ऑक्सीजन हैं ऑक्सीजन देते हैं, लेते हैं, ठीक है। हम को चलो, कार्बन तो ये क्या डाइऑक्साइड है, ये क्या है बेटा? लिविंग। एनिमल्स भी तो लिविंग है, तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फिर दो भागों में बांट देंगे। कैसे? एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट। यानी लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड फर्दर इंटू टू ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉन लिविंग, अच्छा अब नॉन लिविंग चीज़ों को बेटा कैसे बांटना है? अगर नॉन लिविंग चीज़ों के लिए हमें अगर उनको क्लासिफाई करना है तो कैसे करेंगे, क्या एक देखेंगे बार हम? में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू मैनी ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ मेटेरियल, यूज, कलर, शेप, साइज, अपीरियंस, हार्डनेस, टेक्सचर, एक्सेट्रा। ओके, तो इनके आधार पर नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंटू ग्रुप्स कैन बी डन ओनली वेन द ऑब्जेक्ट्स हैव सम सिमिलरिटीज एंड सम डिसिमिलरिटीज। हम ऑब्जेक्ट्स को हम तभी क्लासिफाई कर सकते हैं जब उनके अंदर कुछ समानताएं हों, यानी सिमिलरिटीज हों, कुछ डिफरेंसेस हों, यानी कि डिसिमिलरिटीज हों, तभी उनको हम क्लासिफाई कर देंगे। तभी तो हमारी समझ में आएगा कि भाई इस इसमें ये अंतर है, यानी इन इनको अलग रखना है। अच्छा, इनमें ये समानता है तो इनको एक जगह रखना है ना, तभी तो समझ में आएगा। द ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू ग्रुप्स इफ ऑल ऑफ देम आर सिमिलर और ऑल ऑफ देम आर डिसिमिलर। ठीक है, यार सभी अलग अलग तरह के होंगे तो उनमें कोई ग्रुप नहीं बनाया जा सकता, और सभी एक जैसे होंगे तो वो खुद अकेला एक ग्रुप है, तो उसको ग्रुप करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई बात? तो इसलिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम क्लासिफाई करना चाहते हैं, उनमें कुछ सिमिलरिटीज होनी चाहिए और कुछ डिसिमिलरिटीज होनी चाहिए। दस इफ वी हैव सम ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, आगे देखते हैं बेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट को हम, अगर सबसे पहले हम चीज़ों को क्लासिफाई करना चाहें तो हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, टू सर ये पार्ट्स में, मेरा ठीक है ना। देखो, क्या लिविंग एंड नॉन नॉन लिविंग। लिविंग तो ऑल द लिविंग ऑब्जेक्ट्स नीड फूड, तो बेटा लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, अच्छा अब आप कैसे कैसे बांटा आपने इनको कि ये लिविंग में आएगा, ये नॉन लिविंग में आएगा? तो आप कहते हो सर जो खाना खाते हैं उनको लिविंग कहते हैं और जो नहीं खाते उनको नॉन लिविंग कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि वो किस तरह से, ठीक है, वो जो उनका ईटिंग हैबिट्स है वो क्या है ना। ऑल द लिविंग ऑब्जेक्ट्स नीड फूड, वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल, वेयर एज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिक्वायर दीज थिंग्स। नॉन लिविंग की जो चीज़ें होती हैं उनको हवा, पानी और खाने की जरूरत होती है क्या? नहीं नहीं होती ना। सर उनको तो बस पानी की हाँ, जरूरत है तो बेस्ड ऑन दिस डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी आधार पे हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। बेस्ड ऑन दिस डिफरेंस ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स, लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। एज एन एग्जाम्पल, लेट अस क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इंटू लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। देखो बेटा, इतना तो आप जानते हो, आप सिक्स स्टैंडर्ड में हो तो आप बता सकते हो कि कौन से लिविंग है कौन से नॉन लिविंग है। बस यहाँ पे देखते हैं देखो, जरा टेबल बनाने के लिए कह रहा है ये, ठीक है। टेबल, टॉय, डॉग क्या है? लिविंग। क्लॉथ्स क्लॉथ्स, रोज ग्रो लिविंग, हाउस प्लांट है ना, एल्गी लिविंग, सर
एल्गी काई देखी बेटा, पानी में जो काई लग जाती है, देखा वो पोखर वगैरह में भरी हुई रहती है ना, ऐसे अच्छा काई हरी वो ग्रीन हरी ग्रीन 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 सी एल्गी कहते हैं उसको। सब वो लिविंग है हाँ लिविंग होती है बेटा वो, सर, लेकिन वो तो वो बढ़ती है ना पानी में, अगर थोड़ी सर सी भी उसको डालेंगे चाहे ना, कितना भी खत्म कर दो बढ़ जाएगी। हाँ उसको अगर तुम निकाल दोगे, थोड़ी सी भी उसमें डाल दोगे ना, तो कुछ दिन बाद वो पूरे तालाब में फैल जाएगी, बढ़ती ग्रो करती है सर जैसे वो डकवीट, एक तरह का प्लांट होता है और सर समझे। जैसे डकवीट देखो इसलिए आगे। वो हाँ इतना चिकना होता है। एल्गी, पेंसिल, पेंसिल क्या है, नॉन लिविंग है, नाइफ, शूज, हाइड्रला, हाइड्रला क्या होता है बेटा, प्लांट होता है ये, ठीक है, तो ये क्या है, लिविंग है लिविंग है। सर, ये ग्रॉस हॉपर, हाइड्रिला ग्रॉस हॉपर क्या है बताओ, ग्रॉस हॉपर सर वो सेल टाइम लिविंग पे है। उगने वाला, ठीक है, और सर वो ग्रॉस हॉपर जो पत्तियों कीड़े में खा टाइप का जाता है। है ना, तो एनिमल है, एनिमल में आएगा यानी कि लिविंग है। ब्लैक बोर्ड नॉन लिविंग, कैक्टस प्लांट होता है बेटा जो रेगिस्तान में डेजर्ट लिविंग एरिया में है पाया जाता हाँ है सर, ना। सर उसका काटा हाँ बहुत तो क्या चुभिया है वो, होता है। लिविंग है। वूल नॉन लिविंग है। अर्थवॉर्म केंचुआ जो होता है, केंचुआ लिविंग है नॉन लिविंग है, लिविंग है लिविंग। सर, ट्री, फिश, फीदर, फीदर क्या होते हैं बेटा, फीदर क्या होती हैं, फीदर हाँ पंख क्या होती सर हैं, वो लिविंग है हाँ फीदर। नेल, सर, लिविंग नाम लिए काटना पड़ नेल, जाएंगे नाखून, नहीं। ये कहाँ करते ले कर ले भाई, काट दो पूरा इन्हें बढ़ बॉडी जाएंगे लिविंग है, नेल लिविंग नहीं है। नेल्स को काट देंगे तो क्या है, सर, किसी चुप करेगी देखो डाक, एचियन हैन मुर्गी लिविंग क्या सर, होती है, इसको लिविंग। देखना है कैसे बैठा है। इफ वी लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स केयरफुली वी विल फाइंड दैट आउट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स डॉग, रोज, एल्गी, हाइड्रोला। आगे देखते हैं, ग्रास हॉपर, कैक्टस, अर्थवर्म, ट्री, फिश, हैन आर लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑन द अदर हैंड, जबकि ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या होता है, आपको कई जगह मिल जाएगा लिखा हुआ ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड का मतलब है जबकि दूसरी तरफ, कहते हैं ना एक तरफ ये, तो जबकि दूसरी तरफ है ना वो, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि ये जो हमने पढ़े हैं ये तो लिविंग है, ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ वो नॉन लिविंग टेबल, है जबकि दूसरी, ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ टेबल, टॉय, क्लॉथ, पेंसिल, नाइफ, शूज, ब्लैक बोर्ड, डॉग वूल, फेदर एंड नील आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो वी कैन क्लासीफाई और डिवाइड ऑल द एबव ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स एज नॉट लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड सीधा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एज फॉलोज। तो बेटा यहाँ पे देखो टेबल बनाई हुई है ना, लिविंग ऑब्जेक्ट हाँ डॉग रूस इस तरह से। डॉग तो लिविंग एंड नॉन लिविंग तो बस हमने जो देखा था उनको यहाँ पे लिख देना है, राइट। तो हमने पूरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने क्लासिफाई किया है किस आधार पे, फूड के आधार पे, वाटर के आधार पे और एयर के आधार पे, है ना। यानी जिनको इन तीन चीज़ों की, फूड, वाटर एंड एयर, जिनकी ज़रूरत होती है, जिनको ज़रूरत होती है, जिन ऑब्जेक्ट्स को इनकी ज़रूरत होती है उनको लिविंग में रखा है, और जिन ऑब्जेक्ट्स को इनकी ज़रूरत नहीं होती है उनको नॉन नॉन लिविंग में लिविंग रखा है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं बेटा, आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब लिविंग में भी प्लांट, सारे प्लांट्स जो होते हैं दुनिया, इस धरती पे जितने भी तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे वो वो घास लिविंग है, है, वो लिविंग है। और जितने भी तरह के एनिमल्स हैं, चाहे वो वो मक्खी है, सब चाहे लिविंग चींटी है है, चाहे हाथी है, चाहे कोई भी है, चाहे इंसान है, बंदर है, कुछ भी है, वो क्या है, लिविंग 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 है। तो इनको भी दो भागों में बांट सकते हैं, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लासिफाई कर दिया हमने। और तो नॉन हाँ लिविंग सर ऐसे कि वो है ये तो है नॉन लिविंग तो हमने पढ़ ही लिया, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑल द सर। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, सर वो भी सनलाइट, कैसे बनाते हैं बताओ। सनलाइट और जड़ों के द्वारा पानी यस लेते यस हैं यस यस, और मिट्टी यानी को फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू। यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, यानी सनलाइट सनलाइट की हेल्प से जो खाना, और सिंथेसिस का मतलब होता है खाना बनाना, यानी फोटोसिंथेसिस सनलाइट की हेल्प से खाना बनाना, यानी कि फोटो और सिंथेसिस बोलते हैं इसको। यानी कि जितने भी तरह के प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं पानी की हेल्प से, और सर कार्बन जल डाइऑक्साइड, कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन जल डाइऑक्साइड गैस एंड धूप सनलाइट, तीनों से।
लेकिन एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर ऐसी क्षमता नहीं है कि वो सनलाइट की हेल्प से और पानी की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के खाना बना दें। ऐसी काबिलियत केवल और केवल प्लांट्स के अंदर ही होती है। और इंसान या एनिमल्स जो खाना खाते हैं वो प्लांट्स के द्वारा जो खाना तैयार हो जाता है उसी को खाते हैं। इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे गाय यस, कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको प्लांट्स कहेंगे, और जो प्लांट्स के बनाए हुए खाने को खाते हैं उनको एनिमल्स कहेंगे। ठीक है, इस तरह से क्लासिफिकेशन हो गया। चलो ये पढ़ लेते हैं फटाफट से। ऑल द प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाई यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, वेयर एज एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड इन दिस वे। यानी इस तरह से खाना नहीं बना सकते एनिमल्स। बेस्ड ऑन दिस डिफरेंस, तो इसी डिफरेंस के आधार पे क्या कर सकते हैं, ऑल द लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू ग्रुप ग्रुप्स, ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेट अस क्लासिफाई द फॉलोइंग लिविंग ऑब्जेक्ट्स इन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेटा यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासिफाई करवा रहा है। देखो जरा ध्यान से, डॉग, रोज, एल्गी, हाइड्रोला, ग्रास हॉपर, कैक्टस, अर्थवर्म, ट्री, फिश, हैन। तो आप बता दो कि कौन से प्लांट्स हैं और कौन से एनिमल्स हैं, है ना? देखो, डॉग एनिमल, रोज प्लांट, एल्गी प्लांट, हाइड्रोला प्लांट, ग्रास हॉपर एनिमल, कैक्टस प्लांट, अर्थवर्म एनिमल, ट्री प्लांट, फिश एनिमल, हैन एनिमल, है ना? तो देखो, दो हमने इधर प्लांट्स लिख दिए, इधर एनिमल्स, और दो जो है इनमें लिख दिए, है ना? तो नाउ आउट ऑफ दीज लिविंग ऑब्जेक्ट्स, रोज, एल्गी, हाइड्रोला, कैक्टस एंड ट्री आर प्लांट्स, वेयर एज डॉग, ग्रास ऑपर, अर्थफॉर्म, फिश एंड हैन आर एनिमल्स। सो वी कैन क्लासीफाई दीज लिविंग ऑब्जेक्ट्स इन टू टू ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फॉलोज। ठीक है, देखो ये रहा, ये है बेटा हाइड्रोला का प्लांट, ओके, और ये तो आप जानते ही हो अर्थफॉर्म। अर्थफॉर्म बताए, किसान का मित्र होता है, जो फार्मर होता है ना उसका फ्रेंड होता है अर्थफॉर्म। कैसे? सर खेत है सर, क्योंकि वो प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है, हाँ, उनकी मदद से खाना बनता है। जो अर्थवर्म होता है, जो केंचुआ होता है, वो मिट्टी के अंदर रहते हैं और मिट्टी को वो क्या करते हैं बेटा, खाते रहे। वो अर्थवर्म क्या खाता है बताए, मिट्टी खाता है वो अर्थवर्म। सर वो अधिकतर सर इसलिए मिट्टी ये ऐसा खाता ही है। ठीक है, है, अधिकतर हाँ, काम खाता मिट्टी खाता मिट्टी है, खाने लग जाता है वो बाद में, जब उसको कुछ खाना नहीं मिलता है ना, भूख लगती है मिट्टी तेज, खा जाता मिट्टी है। खा जाता है, इसकी वजह से उसका शरीर फूल जाता है ऐसे। हम्म, देखो चलो काम की बात पे आते हैं बेटा, अर्थवर्म क्या करता है, मिट्टी खाता है, सर क्यों? हाँ, इस खाता है ये मिट्टी, इसकी वजह से क्या होता है, और मिट्टी निकालता है ना? ठीक है, तो इससे मिट्टी क्या अंदर होता है, मिट्टी लेकिन वो खाता मिट्टी है। उपजाऊ हो जाती है, और फिर क्या होता है, मिट्टी को वो पोली कर देता है, लूज कर देता है, उसमें से क्या होता है, हवा पानी आराम से उसमें से जाते आते रहते हैं, तो प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, हाँ, सर ड्रॉइंग करने में मदद करता है, चल मिट्टी देखो खाली आगे मिट्टी बढ़ा, डाल ली। इसलिए इसको फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, तो बेटा क्लास नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका हम क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको आ गया होगा समझ में कि किस तरह से जो है ऑब्जेक्ट्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं अभी तक। ओके, तो अब कल की जो है वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।